हाई गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पर दो तीन वीडियोस का एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जहां पर मेरा टारगेट है कि डेटा साइंस डोमेन में जो भी टॉप कंपनीज है जो इंडिया में हायरिंग करती हैं, मैं उनका एक लिस्टिंग बनाना चाहता हूं। ठीक है, रीज़न बहुत सिंपल है। पिछले कई दिनों में आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और ये पूछा कि हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया है, हमारा पोर्टफोलियो रेडी है, हमें कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट कंपनीज टू टारगेट इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस। ठीक है, तो ये सारे रिक्वेस्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई विल क्रिएट 2-3 वीडियोस ऑन द टॉपिक, जहां पे मैं अलग अलग डोमेन की जो कंपनीज हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स, इन सबको अलग अलग वीडियोज में कवर करूंगा। आज इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है और आज मैं कवर करने वाला हूं इंडिया में जो टॉप सर्विस बेस्ड कंपनीज है डेटा साइंस के डोमेन में, वो कौन सी हैं, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि अगर आप ट्राई करो तो आप यहां पे मतलब जॉब ले पाओ। ठीक है, सो आज का जो वीडियो, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन कि सर्विस बेस्ड कंपनीज होती क्या है और आपको क्यों सर्विस बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करने का सोचना चाहिए। ठीक है, एंड इन द सेकेंड पार्ट मैं 8 कंपनीज का नाम बताऊंगा आपको जो मेरे हिसाब से टॉप सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं डेटा साइंस की डोमेन में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई नो आपको पहले से पता है, बट एक बार फिर से ब्रशअप करते हैं। हमारा जो भी डिस्कशन है वो टेक्नोलॉजी के डोमेन में है, मतलब हम जो डिस्कशन करेंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी और टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस कंपनी के बीच में होगा। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। एकदम सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट इनहाउस करती है, मतलब उनकी खुद की डेवलपमेंट टीम अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, जस्ट लाइक स्विगी। ठीक है, उनका खुद का प्रोडक्ट है स्विगी ऐप और उनके खुद की डेवलपमेंट टीम है, उनके खुद के कोडर्स हैं, वो उस ऐप के ऊपर काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी का फंडा बहुत सिंपल है, ये ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरे के प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, तो इनके खुद की डेवलपमेंट टीम्स हैं बट प्रोडक्ट किसी और का है। एग्जाम्पल कुड बी TCS, जिनकी खुद की डेवलपमेंट टीम है, वो खुद के कोडर्स हायर करते हैं, बट जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पासपोर्ट सेवा केंद्र का सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। सो मेरा एक YouTube चैनल है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ YouTube पे। लेट्स से एट अ पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक सेपरेट ऑनलाइन अकेडमी ओपन करूँगा, जहाँ पे मैं बच्चों को पेड कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, एंड गेस व्हाट, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आता है। सो मैंने क्या किया, मैंने खुद की वेबसाइट बनाई और मैंने अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को वहाँ पे बुलाया और मैंने बोला कि दीज आर द पेड कोर्सेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग, आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो और ये कोर्सेज आप पढ़ सकते हो या अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, बिकॉज यहाँ पे मेरा ही प्रोडक्ट है और उसको मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है, कल को मैं उस प्रोडक्ट को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना पेड कोर्सेज चलाना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए भी एक एक एडमिन पोर्टल बना दिया कि कोई भी यूट्यूबर आकर के अपना अकाउंट बना सकता है, कोर्सेज डाल सकता है, कोर्सेज सेल कर सकता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहाँ पे प्रोडक्ट और जो डेवलपमेंट टीम है वो सेम कंपनी की है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में अगर एक छोटा सा वेरिएशन ले ले, मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ बट मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आता, बट मैं अपने खुद के कोर्सेज काइंड ऑफ सेल करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाना पड़ेगा और उनको जाके बताना पड़ेगा कि मुझे इस तरह की एक वेबसाइट चाहिए। सो वो जो कंपनी है वो मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक वेबसाइट बनाएगी, जहाँ पे मैं कोर्सेज अपलोड कर पाऊँगा, कोर्सेज सेल कर पाऊँगा। कुछ भी अगर मुझे परेशानी होगी या मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, तो मैं उस कंपनी को बोलूँगा और वो कंपनी उस वेबसाइट में चेंजेस करेगी। तो वो जो कंपनी है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्योंकि उनकी खुद की डेवलपमेंट टीम है बट वो प्रोडक्ट मेरा बना रहे हैं। ठीक है, आई गेस यू गेट द आइडिया। तो सॉफ्टवेयर के डोमेन में तो समझना बहुत इजी हो गया कि सामने वाली जो कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी, उनका काम है वेब डेवलपमेंट, सर्वर वगैरह हैंडल करना, इस तरह की चीज़ें वो लोग हैंडल करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करना, तो सॉफ्टवेयर डोमेन का सारा काम समझ में आ रहा है। बट आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि डेटा बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके दे ऐसी कंपनी समझ में आ रहा है, डेटा और डेटा साइंस के डोमेन में सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं और वो क्या करती हैं, ये हम लोग समझते हैं। सो सेम एग्जांपल को लेके ही बात करते हैं। मान लो मेरी जो एकेडमी थी वो बहुत बड़ी हो गई और अब लाखों स्टूडेंट्स उसके ऊपर आकर के डेली कोर्सेज परचेज करते हैं और पढ़ते हैं। अब एट अ सर्टेन पॉइंट
डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? कि मैं अगर ये नई चीज़ स्टार्ट करूँ तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये सारे डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट स्केल। और वहाँ पे जो सबसे काम की चीज़ होती है वो है डेटा, ठीक है? तो मैं डेटा के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाता हूँ कि मेरा अगला डिसीजन क्या होना चाहिए। अब डेटा को समझना और उससे डिसीजन मेकिंग निकालना ये एक्सपर्ट्स का काम है, ठीक है? तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इन हाउस अपनी एक डेटा साइंस टीम स्टैब्लिश करूं, डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट लोगों की, या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास फिर से जाऊं और अपना डेटा उसको दूं और मुझे जो भी डाउट्स हैं वो मैं उनसे पूछ लूँ, ठीक है? अब इन हाउस डेटा साइंस टीम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, बिकॉज आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा और इट विल टेक सम टाइम, ठीक है? बट वॉट इफ मेरा बिजनेस अभी बहुत क्रूशल स्टेज में है और बहुत तेजी से ग्रो करना चाह रहा है और अभी जो डिसीजंस मैं लूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रादर देन सेटिंग अप माई ओन डेटा साइंस टीम इंटरनली, वॉट आई कैन डू इज कि मैं सामने किसी थर्ड पार्टी स्टैब्लिश कंपनी के पास जाऊँगा जिनके पास बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रोसेसेस वगैरह सेटअप कर रखे हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैंडल कर रखे हैं। मैं सीधे जाकर के उनके टेबल पर अपना डेटा रखूंगा और मैं बोलूंगा कि देखो बॉस, ये रहा मेरा डेटा, ये रहा पिछले 3 साल का डेटा, आप मुझे बताओ कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई शुड डू कि मेरी कंपनी और आगे बढ़े, ठीक है? तो ये जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका काम है किसी और कंपनी का डेटा को उठाना और उसके अंदर से एक्शनेबल इंसाइट निकालना, इस तरह की कंपनी ही आती है डेटा साइंस के डोमेन में, सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, आई गेस मैं अपना पॉइंट कन्वे कर पाया। अब आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया कि सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं। बट शायद आपने हमेशा सुना होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनीज से ज़्यादा बढ़िया है अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करो, ठीक है? तो क्यों मैं इस वीडियो में आपको पुश कर रहा हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने के लिए? सो मैं आपको एग्जैक्ट रीजंस बताता हूँ, मैं आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज के कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ और डिसएडवांटेजेस भी बताता हूँ ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओ कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, ठीक है? एडवांटेजेस में आज की डेट में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है स्टेबिलिटी, ठीक है? अभी आप रिसेंटली देख रहे होगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स करेंट सिनारियो में फायरिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, शायद आपने ये न्यूज़ सुना होगा। सो जितनी भी ये प्रोडक्ट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, ठीक है? इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा लगाते हैं और उस चक्कर में वो लोग बहुत तेज़ी से हायरिंग करते हैं, बट अगर कभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती है, जैसा आज की डेट में थोड़ा ऐसा लग रहा है आफ्टर कोविड, आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने वाला है, तो ये कंपनीज बहुत तेज़ी से फायरिंग भी करती है, ठीक है? मतलब ऐसे समझो कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो बहुत तेज़ी से चलती हैं, बहुत स्पीड में डिस्टेंस कवर करती हैं, बट इनका एक्सीडेंट होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है? बट जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं उनका ग्रोथ बहुत काइंड ऑफ लीनियरली होता है, बहुत बहुत फास्ट नहीं होता है, दे ग्रो लीनियरली और दे आर वेरी स्टेबल, लाइक दे आर लाइक अ गाड़ी, अ व्हीकल जो कॉन्स्टेंट स्पीड पे हाईवे पे चल रही है और उसका एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा कम है। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आई वुड से कि सर्विस बेस्ड कंपनीज कैन ऑफर यू गुड स्टेबिलिटी, मतलब आप बहुत कम ऐसा सुनोगे कि सर्विस बेस्ड कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ऐसे भी सिचुएशन आया है 1 साल पहले कोविड में, बट कोविड इज़ एन एक्सेप्शन, बट जनरली स्पीकिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है सर्विस बेस्ड कंपनी, बिकॉज उनका ग्रोथ और जो उनका कंपनी का पूरा स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत लीनियर तरीके से ग्रो करता है, ठीक है? तो दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आप अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। अब आप क्या काम करोगे ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप एक ट्रैवल क्लाइंट के साथ, एज इन ट्रैवल वेबसाइट टाइप के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप ट्रैवल रिलेटेड डेटा के ऊपर काम करोगे। अगर आप हेल्थ केयर के साथ काम कर रहे हो तो हेल्थ केयर के डेटा पे काम करोगे। सो बेसिकली इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी आप अलग अलग डोमेन्स का फ्लेवर ले सकते हो, लाइफ आपका मोनोटोनस नहीं होगा जैसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो सकता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स सेम टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। दिस इज रीजन नंबर टू। एंड रीजन नंबर थ्री इज कि थोड़ा सा आसान होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक करना, सर्विस बेस्ड कंपनीज में घुस पाना इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब अगर आप फेसबुक में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है इट इज़ वेरी टफ टू क्रैक इन कंपैरिजन टू कंपनीज विच आर इन सर्विस डोमेन, ठीक है? तो ये तीन मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी को भी टारगेट कर सकते हो। अब लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सो पहला डिसएडवांटेजेस सैलरी, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ
जनरली स्पीकिंग इफ देर इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड इफ देर इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, सेम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस में आपको ज्यादा पैसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देती हैं, ये सबको पता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा होता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज का मॉडल ही यही होता है कि वो आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को और उसके हिसाब से वो पैसा जनरेट करते हैं, तो उसमें स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहेगा। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। सो कभी कभी हो सकता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसे क्लाइंट के साथ फंस गए हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग काम नहीं मिल रहा और आपका जो लर्निंग कर्व है करियर में वो बहुत झुक जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ऐसा भी मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, ठीक है। तो ये दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का भी एंगल रहता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, जितना मैंने सुना है, इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो ये दो तीन ड्रॉबैक्स तो हैं। बट जो आठ कंपनीज का नाम मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये टॉप कंपनीज हैं इंडिया में सर्विस डोमेन में, तो इनमें आपको बढ़िया सैलरी भी मिलेगी, इनमें आपको बढ़िया क्वालिटी ऑफ वर्क भी मिलेगा, तो दैट इज़ वाई अगर आप इन आठ कंपनीज को टारगेट करते हो तो वो सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और ये डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट हो रहे हैं बिकॉज दीज आर द बेस्ट कंपनीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन अभी तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उन आठ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मेरे हिसाब से टॉप एट सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस इन इंडिया। लेट्स गो। अब टॉप एट कंपनीज का नाम बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि यही आठ कंपनीज टॉप एट कंपनीज हैं। दो चीज़ों को यूज़ किया मैंने, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क, मैं पिछले 5 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, मुझे उनके थ्रू और अपने पर्सनल नॉलेज के थ्रू थोड़ा आइडिया मिला टॉप कंपनीज के बारे में। एंड सेकेंड, मैंने काफ़ी रिसेंट रिसर्च किया है गूगल के ऊपर, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे इस तरह की कंपनीज को रैंक किया जाता है अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे। ग्लासडोर जैसी वेबसाइट पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े, कंपनीज का प्रोफाइल स्टडी किया और उसके बाद मैं इन आठ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर पाया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई और कंपनी इस लिस्ट का पार्ट होनी चाहिए तो आप उसका नाम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी कंपनीज का नाम। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपनी नंबर एट। मेरे लिस्ट में कंपनी नंबर एट इज़ एब्सोल्यूट डेटा, ठीक है। शायद आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। एब्सोल्यूट डेटा एक कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी 2001 में US में और अभी इन्फोगेन ने इसको अक्वायर कर लिया है। अगर आप एब्सोल्यूट डेटा की बात करो तो ये मल्टीपल डोमेन्स में काम करती है, जैसे कि इनका जो की डोमेन्स है जहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते हैं वो है रिटेल, टेलीकॉम एंड फार्मास्यूटिकल्स। इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स इन तीन डोमेन से आते हैं। क्या क्या सर्विसेज ये लोग ऑफर करते हैं, दे प्रोवाइड एनालिसिस बेस्ड सर्विसेज, दे प्रोवाइड मार्केट रिसर्च बेस्ड सर्विसेज, दे ऑल्सो प्रोवाइड बिग डेटा बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द की क्लाइंट्स, इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ कंपनीज का मैं आपको नाम बताता हूँ। LG इज़ वन ऑफ द क्लाइंट्स, अपोलो, एडिडास, ये तीन मेन क्लाइंट्स मुझे जो दिखाई दिए इनके वेबसाइट पे। इसके अलावा और भी कई फेमस क्लाइंट्स हैं। इनके अगर आप ऑफिसेज की बात करो तो इंडिया में इनके दो जगह ऑफिसेज हैं, वन इज़ इन गुड़गांव एंड द सेकेंड वन इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है। अगर आप बात करो कि कौन से प्रोफाइल्स के लिए लोग हायर करते हैं तो ये दोनों मेजर प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करते हैं। दे हायर फॉर एनालिटिक्स रोल, डेटा एनालिस्ट ये लोग हायर करते हैं, दे ऑल्सो हायर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। सैलरी के हिसाब से अगर आप बात करो तो अगर आप एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हो एब्सोल्यूट डेटा को तो फॉर बोथ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस प्रोफाइल दे ऑफर अ सैलरी ऑफ 4 LPA फ्रेशर लेवल पे। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, लेट्स से अगर आप एक लीड डेटा साइंटिस्ट बनते हो एब्सोल्यूट डेटा में तो आपका सैलरी कैन गो अपवर्ड्स ऑफ 12 lakhs पर एनम। अगर आप इसके ग्लासडोर रेटिंग की बात करो तो ग्लासडोर रेटिंग इज 3.3 विच इज़ काइंड ऑफ सैटिस्फैक्ट्री, बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े एम्प्लॉयज़ के उसमें मुझे दो इशूज़ बहुत दिखाई दिए। पहला था HR पॉलिसीज़ इनकी कुछ बहुत अच्छी नहीं है जैसा मैंने पढ़ा, कि अगर आप कभी लेट आ रहे हो या फिर आप स्किप कर रहे हो तो कुछ फ़ाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, आप एक बार जाके देखना। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में काफ़ी लिखा है, तो हो सकता है कि काम थोड़ा ज़्यादा हो और आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़े अगर आप एब्सोल्यूट डेटा के लिए काम कर रहे हो। ऑन द होल इन माई ओपिनियन इट इज़ अ गुड कंपनी, बट ऑन माई लिस्ट इट इज़ ऑन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू कंपनी नंबर 7। कंपनी का नाम है एब्जुबा।
अगेन एक ऐसा नाम जो शायद आपने नहीं सुना होगा, छोटी सी कंपनी है, अराउंड 500 एम्प्लॉयज़ हैं। इंडिया में दो जगह पे इनके सेंटर्स हैं, वन इज़ इन पुणे एंड सेकेंड इज़ इन कोलकाता। इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि कोलकाता में जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, एब्जुबा का ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था, एंड इन अ वे आई अंडरस्टैंड एब्जुबा कैसे काम करता है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर के ये लोग हायरिंग भी करते थे, तो आई नो अबाउट एब्जुबा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्सनल बायस भी है। इट्स अ ग्रेट कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। थोड़ा मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताता हूँ। 2010 में स्टार्ट हुआ था, IIT कानपुर के जो एल्युमिनाइज हैं उन लोगों ने स्टार्ट किया था। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, दे प्रोवाइड NLP बेस्ड AI सोल्यूशंस टू एंटरप्राइजेस इन द डोमेन ऑफ स्टोरेज, एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड डेटा इंजीनियरिंग। इनका जो की प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्सप्रेसो AI। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को यूज़ करके वो एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सारी के सारी कंपनीज को। इनका जो पहला बड़ा क्लाइंट था वो था सिंगापुर गवर्नमेंट। ठीक है, और आज की डेट में भी इनके जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के बाहर से ही हैं। इंडिया में इनके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं, बिकॉज इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं जो आगे कंपनीज का नाम बताऊंगा वो इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स खा लेती है, तो इनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप बात करो कि ये कौन से प्रोफाइल्स के लिए हायर करते हैं, तो ये भी दोनों की प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करते हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए भी और डेटा साइंटिस्ट के लिए भी। ऑल्दो जितना मैंने देखा है ये ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए हायरिंग करते हैं, एंड इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा पे करती है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ पे ये कंपनी आई है और इन्होंने 7+ का पैकेज दिया है फ्रेशर्स को डेटा साइंस प्रोफाइल में, जूनियर डेटा साइंस के प्रोफाइल में ये लोग हायर करते हैं विद अ पैकेज ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 7 लाख। ठीक है, विच इज़ क्वाइट गुड फ्रेशर लेवल पे। अगर आप लीड डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हो तो दे आर विलिंग टू प्रोवाइड यू 20 LPA का पैकेज या उससे ऊपर। ठीक है, और अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे ज्वाइन करते हो, एज इन डेटा साइंस मैनेजर की तरह आप ज्वाइन करते हो, तो 30+ का पैकेज ये लोग देते हैं। ठीक है, ऑन द होल कंपनी इज़ वेरी गुड। जितना मैंने फीडबैक देखा है, समझा है, मुझे अभी तक कुछ खास बुराई दिखी नहीं है। ग्लासडोर पे भी जो इसका रेटिंग है दैट इज़ 4.6, विच इज़ लाइक ऑसम। उससे अच्छा मतलब और क्या होगा। सो अगर आपने नहीं सुना है एब्जुबा का नाम, तो मैं इसका ग्लासडोर प्रोफाइल का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, और इफ़ यू वांट यू कैन टारगेट इट, स्पेशली अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हो, वेस्ट बंगाल या आसपास में, या फिर अगर आप पुणे महाराष्ट्र साइड में रहते हो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस कंपनी। कंपनी नंबर 6 ऑन माई लिस्ट इज टेक एनालिटिक्स। ठीक है, ये कंपनी इज़ बेसिकली अ डेटा साइंस एज अ सर्विस कंपनी। इनका मेन एजेंडा इज़ टू प्रोवाइड एनालिटिक सॉल्यूशन टू इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, मोस्टली ये लोग बिग डेटा और एनालिटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इनके जो बड़े क्लाइंट्स हुए उनमें आता है केलॉग्स एंड एमवे। ठीक है, दो डोमेन्स में ये लोग ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं, वन इज़ हेल्थ केयर एंड द सेकेंड वन इज़ रिटेल। इन दोनों ही डोमेन्स में इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं। ऑफिसेज़ का अगर आप बात करो तो इंडिया में इनका एक ही जगह पे ऑफिस है एंड दैट इज़ इन बेंगलुरु। अगर आप बात करो सैलरीज का और किन प्रोफाइल्स के लिए हायर करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे सिर्फ एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए ही हायर करते हैं। सैलरीज की अगर बात करें तो एंट्री लेवल एनालिस्ट जॉब के लिए दे ऑफर समवेयर अराउंड 6 LPA, और अगर आप थोड़े सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन करते हो तो दे ऑफर अपवर्ड्स ऑफ 17-19 LPA। लीड एनालिस्ट का जो प्रोफाइल है उसके लिए दे ऑफर दिस मच। ठीक है, द बेस्ट पार्ट अबाउट टेक एनालिटिक्स इज, जो मैंने जितना समझा है, कि इनका जो वर्क कल्चर है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनका जो ग्लासडोर प्रोफाइल है उसमें भी जो रेटिंग है इनका दैट इज़ अपवर्ड्स ऑफ 4.1 के अराउंड है, और जो इनका वर्क कल्चर है उसके बारे में मैंने बहुत रिव्यूज़ में पढ़ा। सो देर आर मल्टीपल फीचर्स बेनिफिट्स जो मैं आपको बताता हूँ, लाइक फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड ओपन लीव पॉलिसी। ठीक है, सो रिसेंटली मैंने अपने सब्सक्राइबर बेस में बहुत लोगों को देखा है टेक एनालिटिक्स ज्वाइन करते हुए उनके लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू। तो अगेन दिस इज़ अ कंपनी विच यू कैन सी एंड टारगेट इन फ्यूचर। द नेक्स्ट कंपनी ऑन माई लिस्ट इज़ ब्रिज I2I। इट्स अ फेमस कंपनी, शायद आपने नाम भी सुना होगा। बड़ी कंपनी है, मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इट इज़ अप टू 1000 जितना मुझे पता है। ऑफिसज़ की अगर आप बात करो तो इट्स इन बेंगलुरु, और कहीं भी ऑफिस नहीं है इंडिया में। और रिसेंटली ये कंपनी अक्वायर हुई है बाय एक्सेंचर। एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस, जो मतलब बेसिकली जो AI पार्ट है एक्सेंचर का, उसने इस कंपनी को अक्वायर किया है। 2011 में कंपनी स्टार्ट हुई थी
और बहुत तेज़ी से ग्रो की। इनिशियली इनका पूरा फोकस था अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा AI और ML को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और जिसकी वजह से बेसिकली उनके क्लाइंट्स का बिजनेस थोड़ा और तेज़ी से ग्रो कर पाए। और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक्सेंचर, जो कि एक जायंट है IT स्पेस में, उन्होंने इस कंपनी को अक्वायर किया। अगर आप बात करो किस प्रोफाइल के लिए हायर करती है कंपनी, अगेन सेम दो प्रोफाइल्स के लिए, दे हायर फॉर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, और शायद मैंने जितना नोटिस किया है ये लोग बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए भी हायरिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो सैलरीज का, तो डेटा एनालिस्ट के लिए जो फ्रेशर्स का सैलरी था वो 6 LPA के अराउंड था, और जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट डेटा साइंटिस्ट रोल, दे आर विलिंग टू पे अराउंड 15 LPA। ठीक है, तो सैलरीज वगैरह बहुत बढ़िया है इस कंपनी की, सो दिस इज़ वन कंपनी विच यू कैन ट्राई एंड जॉइन। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है टाइगर एनालिटिक्स, शायद आपने नाम भी सुना होगा। रिसेंटली ये कंपनी बहुत हायरिंग कर रही है, और मैंने खुद अपने सब्सक्राइबर बेस में देखा है बहुत लोगों को ये कंपनी ज्वाइन करते हुए। इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2011 में स्टार्ट हुई थी, और अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। लाइक देर आर 1000+ एम्प्लॉयज़, इट इज़ अ प्रॉपर बिग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में इसका जो ऑफिस है वो सिर्फ चेन्नई में है और कहीं भी नहीं है। अगर आप कंपनी के काम करने के ऊपर बात करो तो ये जो कंपनी है ये दो मेजर डोमेन्स में काम करती है, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड रिस्क एनालिटिक्स। ठीक है, अगर आप डोमेन्स की बात करो तो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका सबसे ज़्यादा काम रहता है, और ये लोग मोस्टली आपका मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग के डोमेन में अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। ठीक है, अगर आप सैलरीज का बात करो तो इट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो बहुत हाईली अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है, दोनों डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में। अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करते हो यहाँ पर एज अ फ्रेशर भी, तो दे पे एज मच एज 8 LPA। ठीक है, 8-8.5 लाख का पैकेज भी मैंने सुना है लोगों को मिलते हुए। अगर आप थोड़ा सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन करते हो तो आपको 15 LPA तक मिलता है, और मैंने जितना पढ़ा है अगर आप एज अ प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट अ सैलरी ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 35 लाख्स पर एनम। ठीक है, अगर आप इस कंपनी के फीडबैक या रिव्यूज़ की बात, तो ग्लासडोर पे इसका रिव्यू इज 4.3, द रेटिंग इज 4.3, विच इज़ क्वाइट गुड, बिकॉज इतने सारे रिव्यूज़ में भी अगर 4.3 का आपका रिव्यू है तो दैट इज़ ग्रेट, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पॉइंट पे दे आर हायरिंग क्वाइट अ लॉट। इवन इफ अगर आप ग्लासडोर पे जाओगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा उनके बहुत सारे जॉब पोस्टिंग अवेलेबल है। कंपनी नंबर 3 इज़ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ठीक है, ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2006 में, मतलब थोड़ी पुरानी है, अगेन US में ही स्टार्ट हुई है, और इंडिया में इसके जो ऑफिसेज हैं वो है चेन्नई और बैंगलोर में। कंपनी की अगर आप बात करो तो इट इज़ अ बिग कंपनी, 1000 के अराउंड एम्प्लॉयज़ हैं, और इट हैज़ बीन अ एनालिटिक्स प्रोवाइडर फॉर मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप बात करो इंडस्ट्रीज़ का, तो ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं रिटेल में और बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज में। अगर आप इनके एक्सपर्टीज़ एरियाज़ की बात करो तो देयर एक्सपर्टीज़ एरियाज़ इज़ डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट सैलरीज एंड जॉब प्रोफाइल्स, तो ये लोग 3 मेजर प्रोफाइल्स में हायरिंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेटा एनालिस्ट, सेकेंड इज़ बिजनेस एनालिस्ट, एंड द थर्ड वन इज़ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए एंट्री लेवल पे इनका जो सैलरी है दैट इज़ समवेयर अराउंड 6 LPA, एंड डेटा साइंटिस्ट के लिए इट इज़ समवेयर अराउंड 7.5 LPA। एंड जितना मैंने देखा है दे ऑल्सो हायर अ लॉट ऑफ टैबल्यू डेवलपर्स, सो अगर आप टैबल्यू में बहुत अच्छे हो तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और जितना मैंने नोटिस किया इस पॉइंट पे ये लोग बहुत हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ तो यू वुड सी कि इनके चेन्नई लोकेशन के लिए इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट सारे जॉब प्रोफाइल्स में हायरिंग हो रही है। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग तो फिर आप इस कंपनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स अ ग्रेट कंपनी। अगर आप बात करो इसके ग्लासडोर रेटिंग के बारे में, तो इट इज़ 4.1 विच इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी गुड। अगर आप बात करो इनके पॉजिटिव्स के बारे में, तो ज़्यादातर लोगों ने जो रिव्यू में लिखा है दैट इज़ गुड वर्क कल्चर और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके, जो बाहर के लोकेशन से यूरोप और US में, वहाँ पे आपके ये जाने के सीन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज माई थर्ड कंपनी। अब लास्ट दो कंपनीज़ का नाम बताने के पहले मैं आपको 2-3 और कंपनीज़ का नाम बताना चाहता हूँ जो फुल फ्लेजेड डेटा साइंस के डोमेन में काम नहीं करती, बट उन्होंने रिसेंटली एक ट्रांजिशन लिया है डेटा साइंस के डोमेन में।
सो जो पहली सेट ऑफ कंपनीज़ हैं वो एक्चुअली आईटी कंपनीज़ हैं, जो प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड आईटी कंपनीज़ हैं। उनमें से दो कंपनीज़ एक्सेंचर और आईबीएम के बारे में अगर आप रिसेंटली पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली दे आर टेकिंग डेटा साइंस वेरी सीरियसली, और इनफैक्ट एक्सेंचर तो बहुत सारी कंपनीज़ को अक्वायर भी कर रहा है इस डोमेन में, और आईबीएम ने भी काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है डेटा साइंस रोल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दो और कंपनीज़ जो रिसेंटली बहुत काम कर रही हैं डेटा साइंस की फील्ड में, वो एक्चुअली है डेलॉइट एंड ईवाई। ये दोनों बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म्स में आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज अब ये लोग डेटा साइंस सर्विसेज में भी मूव कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों को हायर कर रहे हैं। नंबर टू ऑन माई लिस्ट इज़ म्यू सिग्मा। शायद आपने नाम सुना होगा, इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस कंपनी। 2004 में स्टार्ट हुई थी और 2004 से अभी तक इस कंपनी ने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्व किया है। इनफैक्ट 500 जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं उनमें से 140 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक वॉलमार्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो बहुत रेपुटेशन है म्यू सिग्मा का इन द स्पेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड AI/ML। इनफैक्ट इट इज़ द बिगेस्ट बिग डेटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंसेस कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। अराउंड 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में जो इनका ऑफिस है वो है बेंगलुरु में, और इट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो बहुत पहले से, जब डेटा इतना था भी नहीं तब से दे आर वर्किंग इन द डोमेन ऑफ डेटा। मुझे अभी तक याद है 2013 में जब मैं कॉलेज में था उस टाइम हमारे कॉलेज में म्यू सिग्मा आई थी और हमारे बैच में से लोगों को उन्होंने हायर किया था। म्यू सिग्मा के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री में इनका रेपुटेशन इतना बढ़िया है कि अगर आप एक बार बोल दो कि आपने म्यू सिग्मा में काम किया है तो वो ऑलरेडी आपके प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, ठीक है। इनके जो एम्प्लॉयज़ उनको म्यू सिग्मन बोला जाता है, और बहुत सारे लोग बहुत प्राइड से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखते हैं वंस अ म्यू सिग्मन ऑलवेज अ म्यू सिग्मन। सो इट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जिनको अगर आप टारगेट करो और अगर आप इस कंपनी में घुस पाओ, काम कर पाओ, ये आपके प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करो तो इन्होंने एक कम्प्लीटली नया जॉब प्रोफाइल क्रिएट किया है। ये लोग डेटा साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं, ये लोग डिसीजन साइंटिस्ट बोलते हैं, और ये फ्रेशर्स को हायर करते हैं एट अ बेस ऑफ 7 LPA विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल। सैलरी से ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है वर्क एक्सपीरियंस एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू विल डू, बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, तो जब आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत तगड़ा काम कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस इज़ वॉट मैटर्स म्यू सिग्मा में। जब आप काम कर रहे हो तो पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे वैल्यू करता है। अगर आप इसके ग्लास डोर रेटिंग के बारे में बात करो तो है ये 3.3 विच इज़ क्वाइट लेस, क्योंकि मैं जब से तारीफ़ें कर रहा हूँ तो फिर 3.3 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। बट ऑनेस्टली इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डगमगाता है, बिकॉज़ ये लोग काफ़ी काम करवाते हैं। मैंने एक पॉइंट पे सुना था कि म्यू सिग्मा में लोग 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो सीखना चाहता है, मतलब अपने करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो म्यू सिग्मा इज़ वन सच कंपनी जो आपको काफ़ी लर्निंग प्रोवाइड करेगा। आपका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होगा और आप काफ़ी कुछ सीख के निकलोगे। बट एक बार जब आप इस कंपनी से निकलोगे ना, तो फिर आपके पास एक ब्रांड वैल्यू रहेगा, और उस ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आप और अच्छी कंपनीज़ में जा पाओगे। सो अगर आप अपने डेटा साइंस जर्नी में अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हो कंपनीज में, आई वुड रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर म्यू सिग्मा एज वेल। नंबर वन ऑन माई लिस्ट इज फ्रैक्टल एनालिटिक्स। आई एम वेरी श्योर आपने ये नाम सुना होगा। बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट इसके बारे में बोला जाता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया। मल्टीपल टाइम्स इसको ये अवार्ड मिल चुका है। इनफैक्ट इसको बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन्स का भी अवार्ड मिला है। तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज जो एनालिटिक्स डोमेन में इंडिया में ऑपरेट कर रही है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, अराउंड 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, और तब से अभी तक इन लोगों ने बहुत सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अपना क्लाइंट बनाया है एंड दे हैव बीन इमेंसली सक्सेसफुल, ठीक है। बहुत सारे डोमेन्स में ये लोग काम करते हैं, रिटेल, हेल्थ केयर, फिनेंस, इंश्योरेंस, इन सारे डोमेन्स में इन लोगों ने अपना क्लाइंटेल बना रखा है। अगर आप बात करो किस तरह के सर्विसेज ये लोग ऑफर करते हैं, दे प्रोवाइड AI एंड ML सर्विसेज, दे प्रोवाइड एनालिटिक्स सर्विसेज, दे प्रोवाइड ML ऑप्स बेस्ड सर्विसेज। बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं मशीन लर्निंग डेटा साइंस की फील्ड में,
उन सारी चीज़ों से रिलेटेड इनके सर्विसेज अवेलेबल हैं। इन्होंने अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्रोडक्ट्स भी बना रखे हैं, जैसे कि Cure.ai है इनका एक प्रोडक्ट जो मेडिकल फील्ड में मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड काम करता है। दे ऑल्सो हैव अ कॉन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म कॉल्ड Senseforth.ai। दे ऑल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड Eugenie.ai जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। इन शॉर्ट काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है और दैट इज़ वाई मेरी लिस्ट में ये सबसे टॉप पर है ये कंपनी। रिसेंटली ये लोग बहुत सारे और कंपनीज़ को फंड भी कर रहे हैं और उनको हायर भी कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं एज इन उनको अक्वायर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सैलरीज का और जॉब प्रोफाइल्स का, तो सारे मेजर जॉब प्रोफाइल्स में ये लोग हायर करते हैं, बी डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस और बिजनेस एनालिसिस, इन सारी फील्ड्स में ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो सैलरीज का, तो इनकी सैलरीज भी बहुत हाई हैं। एक डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल में जब आप ज्वाइन करते हो, दे पे यू अपवर्ड्स ऑफ 8 lakhs पर एनम। ठीक है, और अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करो तो दे पे यू ऑन अपवर्ड्स ऑफ 7 to 8 lakhs। ठीक है, और जैसे जैसे आप लीड पोजिशंस पे जाते हो तो 15 to 20 LPA का भी पैकेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जितना मैंने सुना है, इनका वर्क कल्चर बहुत ही तगड़ा है और इनको मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आप बात करो इसके ग्लासडोर रेटिंग के, द रेटिंग इज 4.1 विच इज़ क्वाइट गुड कंसिडरिंग इट इज़ सच अ बिग कंपनी। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया होगा, रेटिंग दिए होंगे, उसके बावजूद 4.1 अगर मेंटेन कर रखा है तो इट शोज़ यू समथिंग। ठीक है, तो ये था मेरा लिस्ट अबाउट 8 कंपनीज जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस। अगर आप इन कंपनीज़ को ज्वाइन करते हो, आई फील आपका करियर एक सही तरीके से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली फिर आप स्विच कर करके जो तगड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा ये आपको पसंद नहीं आया और फिर मैं आगे वाले जो वीडियोस हैं वो इस सीरीज़ में नहीं बनाऊंगा। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ और स्टार्टअप्स का भी एक लिस्टिंग प्रोवाइड करूँ आगे के वीडियोज़ में, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।